हेलो, दिस इज माय चैनल फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 का, इक्विलिब्रियम। चलिए समझते हैं इक्विलिब्रियम। तो जो इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है ट्रांसलेटरी और दूसरा होता है रोटेटरी। ट्रांसलेटरी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रल। तो ये एक मैंने बना दिया है, डायग्राम बना दिया है। इक्विलिब्रियम हमारे दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेटरी रोटेटरी। ट्रांसलेटरी भी दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक डायनेमिक। स्टैटिक तीन प्रकार के होते हैं, आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। हमारे सबसे पहले टॉपिक है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में सबसे पहले क्या आता है, जैसे हमने अभी देखा था, सबसे पहले क्या आएगा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में? सबसे पहले आता है स्टैटिक। स्टैटिक तो स्टैटिक मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल समझते हैं। चलिए मान लीजिए टेबल है, टेबल में एक बुक रखी हुई है। तो टेबल के द्वारा बुक में एक फोर्स लगेगा, कॉन्टेक्ट फोर्स, वो होता है नॉर्मल फोर्स, है ना। ये पुशिंग फोर्स होता है और परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस होता है। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक फोर्स लगेगा, एम जी लगेगा। अब हमें देख रहे हैं ये बुक रेस्ट में है, ये बुक क्या है, रेस्ट में। ये तब भी बुक रेस्ट में हो सकती है जब ऊपर वाला नॉर्मल फोर्स नीचे वाले एम जी को बैलेंस करे, तभी तो हो सकती है। तो इसमें नेट फोर्स कितना आएगा, इसमें नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा। नेट फोर्स जीरो है, तो अगर नेट फोर्स जीरो होता है और चीज अगर रेस्ट में होती है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, मतलब वेलोसिटी अगर जीरो होती है, तो हम उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसा में आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमारा एफ नेट जीरो में चाहिए और बॉडी कैसे में चाहिए, रेस्ट में होनी चाहिए। चाहे तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम समझते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हमने आपको बताया था तीन प्रकार के होते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है हमारा पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मान लीजिए ये बाउल है और ये बॉल है। बॉल ए पोजीशन में, अगर हम बॉल को पोजीशन ए से पोजीशन बी डिस्प्लेस करते हैं, अगर हम बॉल को ऐसे डिस्प्लेस करते हैं, तो हम जानते हैं बॉल जो बी में है वापस ए में आ जाएगी, इसको बोलते हैं रिस्टोर। या हम सी में भी अगर डिस्प्लेस करें तो वापस वो सी से तो ए में आएगी, आएगी ना। तो अगर डिस्प्लेस करने पे आगे या पीछे वापस बॉल आ जाती है या ऑर्बिट आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आया समझ में? अब हम बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो आप समझ गए होंगे कि थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होने वाला है। तो अनस्टेबल में क्या होता है, बाउल थोड़ा उल्टा होता है, कटोरी उल्टी होती है। अभी हमें पोजिशन ए है, ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, या तो हम बी में करें या तो हम सी में करें, तो ये वापस नहीं आने वाले, है ना। हमने इसको डिस्प्लेस किया तो ये तो कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं। तो डिस्प्लेस करने पे आगे या पीछे अगर ऑर्बिट वापस नहीं आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए अब तीसरा। अब क्या होगा, आ गया या नहीं आ गया, मन में आ रहा होगा तीसरा क्या होगा। तीसरा तो बचे नहीं होगा कुछ भी, लेकिन तीसरा भी होता है। तीसरा क्या होता है कि मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने ए में रखा, फिर हमने उठा के इसको बी में रख दिया, या हमने इसको उठा के सी में रख दिया। तो अब ये ना तो रिस्टोर हो रहा है और ना ही रिसीव हो रहा है, ना वापस आएगा ना ही जाएगा, ना ही रिस्टोर होगा, ना ही रिस्टोर होगा और ना ही रिसीव होगा। जब बच्चा ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम के तीनों पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो अब हम सीखते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। क्या है डायनेमिक इक्विलिब्रियम?
इसको एक हम बहुत ही क्लासिक एग्जांपल सीखेंगे जो आपकी बुक में भी दिया गया है, सेरेना की बुक में, आईसीएससी में। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। ये एक रेन ड्रॉप है, ये क्या है, ये रेन ड्रॉप है, ठीक है, ये रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप में कौन सा फोर्स लगेगा? अर्थ तो लगाएगी लगाएगी, अर्थ तो सब में लगाती है, एम जी लगाएगी। जब अर्थ लगाएगी रेन ड्रॉप में फोर्स, तो इसके इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती भी जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन होगा, फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हम जानते हैं कि ये रेन ड्रॉप एयर के कॉन्टेक्ट में होती है, ये रेन ड्रॉप क्या होती है, एयर के कॉन्टेक्ट में। अब हमें ये सीखना है बच्चा कि एयर भी एक ड्रैग फोर्स लगाती है, एयर भी क्या लगाती है, एक ड्रैग फोर्स, एयर क्या लगाती है, एक ड्रैग फोर्स। और ये जो ड्रैग फोर्स होता है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते एमजी के बराबर आ जाएगा। जब वो समय आएगा ड्रैग फोर्स एमजी के बराबर आ जाएगा, तब हमारा एफ नेट कितना हो जाएगा, हमारा एफ नेट जीरो हो जाएगा। जब हमारा ड्रैग फोर्स एमजी के बराबर आ जाएगा तो हमारा एफ नेट जीरो हो जाएगा, और उस कंडीशन में फिर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारी बूंद गिरेगी, रेन ड्रॉप कांस्टेंट वेलोसिटी गिरेगी, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, द कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वेलोसिटी हमारी नहीं बढ़ेगी। तो जब नेट फोर्स जीरो हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या सीखा था, एफ नेट तो वहां भी जीरो था लेकिन वहां पे वेलोसिटी जीरो थी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बस इतना सा अंतर है। अब हम बात करेंगे रोटेटरी इक्विलिब्रियम की, ठीक है। याद करिए हमने पढ़ा था दो प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। ट्रांसलेटरी हमने कवर कर लिया है, अब हम कवर करने वाले हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए ये एक सीसो है और ये फलक्रम है, और फलक्रम बीचों बीच नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे एक मास m का व्यक्ति बैठा है और यहाँ पे भी मास m का व्यक्ति बैठा है। इसकी दूरी फलक्रम से r1 है और इसकी जो डिस्टेंस है, और इसकी डिस्टेंस जो फलक्रम से है r2 है, ठीक है। तो एक कोई चीज कौन घुमाता है, चीजों को कौन घुमाता है, चीजों को टॉर्क घुमाता है, और टॉर्क कितना होता है, हमारा टॉर्क जो होता है वो होता है आर एफ होता है, ठीक है, टॉर्क कितना होता है, आर एफ होता है। तो ये जो पर्सन है, इसका जो टॉर्क है, वो सीसॉ कैसे घुमाएगा, वो सीसॉ को एंटी क्लॉक घुमाएगा, ये सीसॉ को कैसे घुमाएगा, ये सीसॉ को एंटी क्लॉक घुमाएगा, है ना। और ये पर्सन कैसे घुमाएगा, ये पर्सन क्लॉक वाइज घुमाएगा। अब इसका टॉर्क देखें, इसका टॉर्क कितना आएगा, एम आर वन आएगा। एम आर वन कैसे आएगा, हमारा एन आर वन आएगा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। और एम आर टू, एम आर टू जो हमारा टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, क्लॉक वाइज आएगा, क्लॉक वाइज, ठीक है। ये मास सीसॉ को क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा और ये वाला मास सीसॉ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, ठीक है। घुमाता कौन है, टॉर्क क्या होता है, r, ये r और f, f f हम लिखना चाहिए, ये mg आ जाएगा बच्चा, m नहीं आएगा, mg आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स mg होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि r2 ज्यादा है r1 से, जब r2 ज्यादा है तो क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज से, तो कुल मिलाकर जो सीसॉ है क्लॉकवाइज टर्न करेगा, कुल मिलाकर क्या करेगा, सीसॉ क्लॉकवाइज। तो जब ये पूरा सीसॉ क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश करेगा तो जब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, टॉर्क क्या होना चाहिए, बैलेंस, मतलब जितना क्लॉकवाइज टॉर्क लगे, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क लगे उतना ही क्या लगे, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगना चाहिए, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं कि जो नेट टॉर्क होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। नेट टॉर्क जीरो आएगा मतलब अगर ये फलक्रम बीचों बीच होता, अगर फलक्रम बीचों बीच होता तो डिस्टेंसेस बराबर होती, डिस्टेंस बराबर होती तो ना तो ये क्लॉकवाइज घूमता ना ही ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता, तो उसको बोलेंगे हम रोटेटरी इक्विलिब्रियम। जब हमारा सीसॉ ना घूमे, ठीक है, जब हमारा सीसॉ ना घूमे वो तब हो सकता है जब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो, या टॉर्क नेट क्या हो, जीरो हो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटिक इक्विलिब्रियम क्या देखा हमने, फोर्स हमारा नेट जीरो होना चाहिए और इसमें क्या होता है, टॉर्क नेट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सभी समझ लिए हैं, चलिए आप एक एग्जांपल से टेस्ट करते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये एक बच्चा रॉड है, ठीक है, और इसमें सेंटर में दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं, दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं। तो बताइए क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, और कौन से इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। हमें लगा कि आप सबको मतलब आप सबको बन गया होगा। तो
ये F net कितना आ जाएगा, F net जीरो आ जाएगा, तो इक्विपोइड फोर्स है, F net जीरो आ गया, ठीक है, और सेंटर में लग रहे हैं, ये पॉइंट हमारा सेंटर है, तो हमारा टॉर्क नेट भी क्या आ गया, टॉर्क नेट भी हमारा जीरो आ गया, तो F net जीरो है, टॉर्क नेट जीरो है, मतलब ये ट्रांसलेटरी भी इक्विलिब्रियम में है और रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है, रोटेटरी में। तो हम अगर जब दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, ना चले ना घूमे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोटल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? टोटल इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या बोलते हैं? टोटल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं और उसे अपना चेक करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल में है हमारा, सेकेंड एग्जाम्पल में फोर्स अब थोड़े गैप डिस्टेंस पे लग रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो अगर इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है तो हमारा एफ नेट बच्चा क्या होगा, एफ नेट जीरो होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ये फोर्स कैसे घुमाना चाहता है, ये फोर्स घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, ये फोर्स भी कैसे घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, तो हमारी रॉड तो क्लॉकवाइज घूम गई, तो हमारा टॉर्क नेट जीरो नहीं है, लेकिन एफ नेट तो जीरो है, तो ये कैसा होगा हमारा, ये हमारा होगा बच्चा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आई बस समझ में आपको, ठीक है, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, पहले एग्जांपल में टोटल इक्विलिब्रियम था, सेकंड एग्जांपल में स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो आप समझ गए होंगे तीसरे एग्जांपल में क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। अब अनइक्वल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, सेंटर में अनइक्वल फोर्स लग रहा है, जब अनइक्वल फोर्स होंगे तो हमारा एफ नेट जीरो नहीं होगा, या तो रॉड यहां जाएगी या तो रॉड यहां आएगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा एफ टू बड़ा है एफ वन बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमारा रॉड तो नहीं घूमेगी, टॉर्क नेट तो जीरो है। अब करके भी देख सकते हैं, मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, और मार्कर में आपने अगर ये वाला फोर्स ज्यादा लगाया तो मार्कर यहाँ हो जाएगा, या ये वाला फोर्स ज्यादा लगाया तो मार्कर यहाँ हो जाएगा, मार्कर घूम तो रहा नहीं है, ठीक है, तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि सेंटर पे लग रहा है, ठीक है, सेंटर पे लग रहा है, तो ये हमारा क्या है, टॉर्क नेट जीरो है, सॉरी टॉर्क नेट हमारा जीरो है, तो टॉर्क नेट अगर जीरो होता है तो हमारा क्या आएगी, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, ये हमारा कैसा है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में। तो हमने पहले एग्जांपल देखा था टोटल इक्विलिब्रियम, सेकंड एग्जांपल देखा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, थर्ड एग्जांपल देखा रोटेटरी, अब चौथे एग्जांपल देखते हैं क्या होता है, तो चलिए चौथे एग्जांपल में देखते हैं, चौथे एग्जांपल में क्या होगा, तो एफ वन यहां लगाया हमने और F2 यहाँ पे लगाया और ये बच्चा यहाँ सेंटर है, ठीक है, तो अनइक्वल फोर्स लग रहे हैं तो हमारा बच्चा F नेट तो जीरो नहीं होगा और सेंटर से डिस्टेंस पे है फोर्सेस तो टॉर्क नेट भी जीरो नहीं होगा हमारा, ठीक है, तो जब दोनों जीरो नहीं होंगे तो ये रॉड आगे भी जाएगी, अगर F1 मान के चले ज्यादा है और ये रॉड घूमेगी, तो अगर चीजें आगे भी जाती हैं, चीजें घूमती भी हैं, तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोलिंग, तो ये रॉड क्या करेगी, रोल करेगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट, थैंक यू सो मच।